एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा बेसिक नॉलेज का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं प्रैक्टिकल वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरी जो लास्ट क्लास थी वो फंडामेंटल की फर्स्ट डे की क्लास थी। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, यदि आप कंप्यूटर को आप कैसे ऑन करते हैं, कंप्यूटर में हम वर्क कैसे करते हैं, कंप्यूटर की हैंडलिंग कैसे की जाती है, उसका बेसिक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। आज हम देखेंगे उसके आगे। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि पिछली वीडियो में मैंने क्या क्या बताया। वैसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लेंगे। जो कंप्यूटर में एकदम नए हैं, कंप्यूटर को पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बस एक डाउट है मन में कि हम कर पाएंगे, सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो इतनी सरल भाषा में आपको यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाएगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, हर उस तथ्य को आसानी से समझ पाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं, पीछे का एक रिव्यू ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने आप लोगों को कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताया। हालांकि मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारे चैनल पर कंप्यूटर बेसिक कोर्स का प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने फंडामेंटल की थ्योरेटिकल वीडियो हिस्ट्री से दे रखी हैं। तो जो जो कंप्यूटर को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए थ्योरी का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो थ्योरी के लिए आप हमारे वीडियोस को चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सारी वीडियोज आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी कंप्यूटर बेसिक कोर्स की। सो उसको देखने के बाद आप इसका प्रैक्टिकल क्लास भी यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें मैंने पहली क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसमें हमने आप लोगों को बताया कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर को हम ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो ऑन होने का क्या प्रोसेस होता है, ऑन होने के बाद जो मेन स्क्रीन आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसके बारे में कंप्लीट, उसके पार्ट ऑफ विंडो क्या है, डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, तथा माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, उसके वर्क फंक्शन क्या होते हैं, डिस्प्ले जो डेस्कटॉप है उसकी सेटिंग्स को कैसे हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हर प्रकार के कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, तथा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो पावे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, आज लास्ट क्लास में जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जिसको कंप्यूटर जानना है, कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर सीखने का एक डेमो करना चाहते हैं, तो बड़े आराम से इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, इस वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम मेन विंडो पर हैं, मैं अपने माउस पॉइंटर से आपको इंडिकेट करता रहूँगा। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियोस को रिवाइंड करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, कोई क्वेरी रहती है, तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, मैं उसका आपको उचित सजेशन प्रोवाइड करूंगा। और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी, प्रॉब्लम आपकी दूर होती चली जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं मेन विंडो पर अवेलेबल हूँ। मैंने आपको बताया था मेन विंडो के 3 पार्ट होते हैं, डेस्कटॉप, आइकन्स एंड टास्क बार। डेस्कटॉप मीन्स वो बैकग्राउंड एरिया जहाँ आपको ये फिगर दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रही है, वो आपका डेस्कटॉप कहा जाता है। और ये जो ग्राफिकल सिंबल्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, इसे हम आइकॉन्स कहते हैं, और नीचे एक पट्टी शो हो रही है जिसे हम टास्क बार कहते हैं। मैंने टास्क बार के बारे में आपको पूरा बताया हुआ था कि टास्क बार का जो लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ एक स्टार्ट विंडो बटन होती है, जिसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल सारे एप्लीकेशंस, कोई भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल करके रखा है कंप्यूटर में, तो वो आपको यहाँ से मिल पाएगा। मतलब स्टार्ट पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जा करके हम देख पाएंगे और वहाँ से उसको यूज़ कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, लॉन्च कर पाएंगे। और जस्ट उसके बगल में कुछ आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, ये एरिया जो होता है उसको हम क्विक लॉन्च एरिया बोलते हैं। यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल हमें लॉन्च करना, ओपन करना, तो एक सिंगल क्लिक पर हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसलिए इस एरिया को क्विक लॉन्चर एरिया कहा जाता है। राइट साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, जहाँ पर आपको डेट एंड टाइम मिलता है, नोटिफिकेशन के कई सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलते हैं, जहाँ से अपना काम आप कर सकते हैं। यही वो एरिया होता है जब हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, कोई भी हार्डवेयर इसमें लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गई, आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, या कोई भी इक्विपमेंट, प्रिंटर या स्पेशल कोई भी इनपुट डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं, तो जस्ट यहाँ पर आपको फाउंड न्यू हार्डवेयर का एक बलून आता है, जहाँ से
वो बताता है कि एक नया हार्डवेयर फाउंड किया जा रहा है, यदि उसका फाउंड हार्डवेयर जो है उसका जब ड्राइवर कंप्लीट हो जाता है तो वो एक्सेस करने लगता है, वो रेडी यूज़ के लिए रेडी हो जाता है। तो हम उसके आगे आज देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी और बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो आप ध्यान देंगे, स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखें आप, यहाँ यदि हम क्लिक करते हैं, हालांकि हम आपको विंडोज़ 10 में बता रहे हैं, यदि आप विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करते ही नीचे एक आल प्रोग्राम्स करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फिर हमारी एक लिस्ट आती है जहाँ से हम प्रोग्राम्स को चुनते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने आल प्रोग्राम्स की एक लिस्टिंग आ गई, जिसमें सबसे ऊपर आपको मोस्ट यूज्ड करके आ रहा है, मतलब वो रिसेंट फाइलें आ रही हैं जिसको रिसेंटली हमने यूज़ किया है, वो फाइलें आपकी आ रही हैं। यहाँ हमारे पास स्क्रॉल बार होता है, यहाँ से हम इसको ड्रैग करके फिर कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर आपको व्यू होते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपकी जो आवश्यकता होती है उसको आप ओपन कर सकते हैं। बट मेरी ये क्लास बिगनर्स के लिए है, जैसा कि मैंने बताया सेकेंड डे की क्लास है, तो हम अभी तक हमने केवल डेस्कटॉप के बारे में जाना। डेस्कटॉप के बारे में जानने के बाद हम यहाँ देखना चाहेंगे कि हम कोई भी प्रोग्राम कहाँ से खोलते हैं या हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कंप्यूटर में। जैसे हमें डेस्कटॉप का नॉलेज हो गया, हमने डेस्कटॉप प्रॉपर्टी चेंज कर ली, हमने पर्सनलाइज करके डेस्कटॉप बैकग्राउंड को हमने चेंज कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि हमें कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन पर काम करना है तो हम उस एप्लीकेशन पर जाने के लिए जो डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम बेसिक में पढ़ाते हैं आप लोगों को, वो है नोटपैड, पेंट एंड वर्डपैड। देखा जाए तो नोटपैड जो है वो आपका एक टेक्स्ट एडिटर विंडो है, जिसे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट टाइपिंग का वर्क करते हैं, उसमें हम कोई भी ग्राफिक्स कोई भी पिक्चर्स ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक विंडो होता है जिसमें हम टाइपिंग का वर्क मेन करते हैं। कुछ भी हमें नोटबुक टाइप में कुछ भी लिखना है तो हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर हमें लेना है तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऐसे ही पेंट है, पेंट में हम क्या करते हैं, ड्राइंग का वर्क करते हैं। देखा जाए तो नोटपैड में टाइपिंग का सबसे ज़्यादा वर्क होता है, एक टेक्स्ट एडिटर विंडो होने के नाते इसमें सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ होता है, और एक बिगनर के लिए कीबोर्ड को समझना यहाँ बहुत आसान हो जाता है। यहाँ नोटपैड में वो कीबोर्ड के सारे कीज़ को आसानी से समझ सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से जो पेंट होता है, पेंट में ज़्यादातर ड्राइंग वर्क हम माउस का इस्तेमाल करके करते हैं, तो माउस की हैंडलिंग आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाते हैं पेंट में। और जो आपका वर्ड पैड होता है, वर्ड पैड में इन दोनों का मिक्सअप होता है, यहाँ तक कि वर्ड पैड एक ऐसी विंडो है जहाँ पर हम आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड कोई भी एप्लीकेशन वहाँ हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उस पर भी हम उसका भी वर्क अपने वर्ड पैड के विंडो में कर सकते हैं। वहाँ अपने टेक्स्ट को हम कम्प्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ला सकते हैं, हम वो सारा काम कर सकते हैं। इसलिए चूंकि उसका नेम जो होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं या डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं हम उसको ओपन करना चाहें तो हम कहाँ से करते हैं, हमें बेसिक टाइप में क्या पढ़ना होता है, क्या करना होता है, वो हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे और ये विंडोज़ एसेसरी लिखा है। यदि आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एसेसरीज़ मिलेगा, एक फ़ोल्डर होगा, ऐसे ही एक फ़ोल्डर होगा जहाँ आपको विंडोज़ एसेसरीज़ लिखा है। मैं माउस पॉइंटर से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ विंडोज़ एसेसरीज़ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें इंस्टॉल्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफ़ॉल्ट तरीके से एप्लीकेशंस आ जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आप ध्यान देंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वर्ड पैड तक ये एसेसरीज़ के अंतर्गत आते हैं, ये आपके विंडोज़ की एसेसरीज़ हैं, इससे हम विंडोज़ पर वर्क फंक्शन वर्क कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया नोट पैड, पेंट एंड वर्ड पैड, ये ऐसी तीन मेन विंडो होती हैं, ऐसी तीन एप्लीकेशंस होती हैं जिस पर हम अपना वर्क करते हैं बेसिक टाइम में, कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए जो हम बेसिक वर्क करते हैं नोटपैड, पेंट एंड वर्ड पैड में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोटपैड का यूज़ होता है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो होता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके नोटपैड ओपन करते हैं, उसमें हम कीबोर्ड को कम्प्लीटली यूज़ करते हैं। तो देखा जाए कीबोर्ड की हैंडलिंग हमें नोटपैड में आसानी से हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं।
पेंट हमने बताया, पेंट में हम माउस का वर्क पूरा कर सकते हैं, बिकॉज जो भी ड्राइंग हम करते हैं माउस के माध्यम से करते हैं, तो माउस की हैंडलिंग अच्छे से कर पाते हैं। यदि आप नए नए रहते हैं तो माउस पे हाथ आपका बहुत अच्छे से नहीं चलता, या कीबोर्ड पर आप कीबोर्ड के सारी कीज का नॉलेज नहीं होता, तो इसके लिए नोट पैड पेंट तथा वर्ड पैड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड पैड में हम कलरफुल टेक्स्ट ले लेते हैं, पैराग्राफ को सेट कर लेते हैं, हम और भी इमेजेस वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये तीन जो मेन एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन विंडोज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल हैं और बेसिक टाइम में हम इसको सीखते हैं। तो यहाँ से हम नोट पैड को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम आपको नोट पैड ओपन करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ एक बार सिंगल क्लिक करेंगे नोट पैड आपके सामने आ जाएगा, इसको हम चाहें तो यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर लें। ये नोट पैड की विंडो आ गई है। तो कहने का मतलब यदि हम ओपन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम एसेसरीज में जाएंगे। इसके लिए आपके कीबोर्ड पर एक जैसा सिंबल आपको यहाँ स्टार्ट का मिल रहा है, ये तो मैंने माउस से ओपन करके दिखाया, ऐसे ही आपके कीबोर्ड पर भी सिंबल होगा। वहाँ हम ऐसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू आ जाएगा आपके सामने, फिर हम एरो कीज़ के माध्यम से नीचे आते चले जाएंगे, नीचे आएंगे और हम विंडोज़ पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से नीचे आते 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 हम विंडोज़ पर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया विंडोज़ एसेसरीज़ है, और अगर विंडोज़ 7 आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल एसेसरीज़ लिखा मिलेगा आपको। विंडोज़ एसेसरीज़ में आप जाएंगे और यहाँ पर आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका विंडोज़ एसेसरीज़ में आपके सारे एप्लीकेशन जो भी हैं, जो भी एसेसरीज़ हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी। और यहाँ से आप नोटपैड को चुनेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, आपके सामने आपका नोटपैड का विंडो ओपन हो जाएगा। इसको अगर हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो अल्ट स्पेस बार करेंगे तो हमारे सामने एक कंट्रोल मेनू बॉक्स आ जाएगा, और उस कंट्रोल मेनू बॉक्स की मदद से हम इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ आप ज़रूर ध्यान देंगे कि यहाँ जो कैरेक्टर्स के नीचे एक अंडरलाइन दिया गया है, अगर वो एक सिंगल कैरेक्टर हम यहाँ यूज़ कर लें तो वो शॉर्टकट की तरीके से काम करेगा। हम एक्स कर देते हैं तो मैक्सिमाइज़ हो जाता है। अल्ट स्पेस बार को हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, और आर कर देंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर विंडो होता है जो आपका विंडो का छोटा साइज़ होता है, और मैक्सिमाइज़ करते हैं तो आपके विंडो का फुल साइज आ जाता है। और इसमें एक ऑप्शन है आपका मिनिमाइज़, यदि हम मिनिमाइज़ करते हैं नीचे आकर के, हम यहाँ आकर के अगर एंटर कर देंगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा। मिनिमाइज़ करने का मतलब विंडो आपका ओपन है, एप्लीकेशन आपका ओपन है, लेकिन आपके टास्क बार पर है। टास्क बार आपको सूचित करता है कि आप किस टास्क पर काम कर रहे थे या कर रहे हैं, तो उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट से तो अल्ट के साथ हम टैब प्रेस करेंगे, और आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन आया है। तो इससे हम एरो कीज़ के माध्यम से भी, अगर हम इसमें करना क्या होगा, ये आपके सामने ऐसे प्रेजेंट क्यों रहेगा, अल्ट के साथ हम टैब प्रेस करेंगे, फिर हम टैब छोड़ करके अल्ट पर प्रेस करके रखेंगे, एरो कीज़ के माध्यम से हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हमें क्या ओपन करना है। फिर हम नोट पैड को ओपन करना है तो नोट पैड पर सिलेक्शन दे करके अल्ट को छोड़ देंगे और नोट पैड आपके सामने ओपन हो करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। मल्टी स्पेस बार पे आएंगे, रिस्टोर करेंगे, और यहीं से हम मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे माउस के माध्यम से आप ड्रैगिंग करते थे, वैसे आप देखें टाइटल बार पर ये इंडिकेटर आ गया। अब हम मूवमेंट कराएंगे तो इधर उधर हम अपने एरो कीज़ के माध्यम से, कीबोर्ड में एरो कीज़ होता है, उसके माध्यम से इसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं, ड्रैगिंग कर सकते हैं, इसको हम मूव करना कहते हैं। हम एंटर करेंगे, यहीं ये फिक्स हो जाएगा। हम चाहते हैं अपने रिस्टोर विंडो की साइज़ को बढ़ाना, तो हम साइज़ पर जाकर के एंटर करते हैं। ये सारा काम हम कीबोर्ड से करते हैं, जबकि माउस से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स के माध्यम से हम कीबोर्ड से करते हैं। एंटर कर देंगे तो यहीं पर आपकी रिस्टोर साइज़ फिक्स हो जाएगी। फिर हम इसको करते हैं अल्ट प्लस स्पेस बार, और हम क्लोज़ पर जा करके यहाँ से क्लोज़ कर देंगे तो आपका नोटपैड का विंडो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। अभी हम आगे आपको नोटपैड के बारे में बताएंगे, बट कुछ बेसिक चीज़ें और भी जानना ज़रूरी होती हैं। जैसे आप काम करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ आइकन बहुत सारे दिख रहे हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर में स्टोरेज देते हैं कोई भी, तो स्टोरेज देने का जो मेथड है वो फाइल एंड फोल्डर। हम कोई भी मटेरियल अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं तो हम फोल्डर और फाइल में उसको व्यवस्थित करते हैं। फोल्डर में हम फाइल को व्यवस्थित करते हैं। फोल्डर वो स्थान है, जैसे आपके पास एक बैग है, बैग में आपकी जिप लगा होता है, बैग एक फोल्डर है, या आपकी पॉकेट जो है वो एक फोल्डर है, या कोई वह स्थान जहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं वो एक फोल्डर होता है।
तो फोल्डर आप यहाँ कैसे बनाते हैं और फोल्डर के अंतर्गत हम फाइल को सेव करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये अनामिका उपाध्याय लिखा है या कोई भी न्यू बिटमैप लिखा हुआ है, ये सब फाइलें हैं, बट ये आपका फोल्डर है। तो हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने मेन विंडो पर। तो हम फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, हम यहीं अपने माउस का सेकेंडरी बटन प्रेस करते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है और यहाँ हम न्यू पर चले जाते हैं। और न्यू पर जाने के बाद ऊपर लिखा हुआ है फोल्डर, अगर हमें शॉर्टकट फोल्डर बनाना तो हम शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे, और अगर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने न्यू फोल्डर रिप्रेजेंट होकर के आ गया। हमने लिख दिया KCI नाम से हमने फोल्डर बना दिया, एंटर कर देंगे, फोल्डर आपका तैयार हो जाएगा। ये है फोल्डर। अब हम फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका फोल्डर ओपन होकर के आएगा, मतलब ये एक ऐसा स्थान हो गया, एक ऐसा फोल्डर बन गया जिसमें अपनी फाइलों को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे अपने बैग में आप कॉपियाँ रखते हैं, बुक्स रखते हैं, पेन रखते हैं, स्केल वगैरह रखते हैं, बैग को हम फोल्डर भी कह सकते हैं, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाया जा सकता है। यदि हमें यहाँ फोल्डर बनाना है तो हम न्यू फोल्डर यहाँ से जा करके न्यू फोल्डर करेंगे, तो इस फोल्डर के अंदर हमें सब फोल्डर बनाने की सुविधा मिल जाएगी। हमने लिख दिया KCI1। अब आप देख पा रहे हैं एक फोल्डर और क्रिएट हो गया। इस फोल्डर पर हम डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर के अंदर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका पाथ शो कर रहा है, पाथ शो कर रहा है डेस्कटॉप पर होने के नाते। डेस्कटॉप पर हम हैं, डेस्कटॉप पर KCI है, KCI के अंतर्गत आपका KCI1 है सब फोल्डर। इस तरह से हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, उसी तरीके से जैसे आपके बैग में कई सारे बॉक्सेस होते हैं, कई सारी जिप लगी होती हैं, उसमें कई सारे खाने होते हैं, तो इस तरह से कई सारे सब फोल्डर अवेलेबल होते हैं बड़े फोल्डर में। तो आई होप आपको फोल्डर समझ में आया होगा। और फोल्डर के अंतर्गत हम फाइलों को व्यवस्थित करते हैं, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। फोल्डर क्रिएट करने का ये तरीका है। अब आप देखें फाइल एक्सप्लोरर जहाँ से फाइलों को ओपन किया जा सकता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपका सिंगल क्लिक पर ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इधर आपका एक आउटलाइन शो कर रहा है जिसमें एक मैप की तरीके से किसी भी स्थान पर आप जा सकते हैं। एक नेविगेशन पैन आपका दिख रहा है जहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं। हम लोकल डिस्क सी पे जाना चाहते हैं, ई पे जाना चाहते हैं। वैसे ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, हार्ड डिस्क जो होती है जिसमें आपका परमानेंट स्टोरेज होता है कंप्यूटर में। जैसे आपके पास एक प्लॉट हो और प्लॉट में आपको कई सारे कमरे बनाने हैं, तो हार्ड डिस्क जैसे आपका 1 TB का हार्ड डिस्क है या 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो उसमें आप कई सारे कमरे बना सकते हैं, कई सारे पार्टीशन क्रिएट करते हैं। जैसे आपके इस जो मेरा लैपटॉप में 500 GB हार्ड डिस्क है, इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने 3 पार्टीशन बना रखा है, एक सी, ई और एफ। तो इसके बारे में धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, चूंकि एक बार में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको फाइल एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पर हमारे पास ये आपका नेविगेशन पैन है, इसे आउटलाइन भी हम कह सकते हैं। यहाँ से हम कहीं भी जाना चाहते हैं। अगर हम डेस्कटॉप पर जो हमने फोल्डर बनाया है उसको देखना चाहते हैं तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे KCI आपके सामने प्रेजेंट हो गया। अगर हम KCI पर डबल क्लिक करते हैं तो हमें KCI1 भी मिल जाएगा, जो मैंने अभी डेस्कटॉप पर आपको बना करके दिखाया। तो किसी भी फाइल को एक्सप्लोर करना है या किसी भी फोल्डर को देखना है, ओपन करके लॉन्च करके देखना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये मेन 3 पार्टीशन है, इसी के अंदर आपका सी पार्टीशन मेन पार्टीशन होता है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, और ये आपके एक्सटर्नल पार्टीशंस हैं। जैसे घर है आपका, तो घर में एक आपके मेन गार्जियन का कमरा होता है, उसे मेन कमरा माना जाता है क्योंकि पूरे आपके हाउस को, पूरे घर को कंट्रोल वही करता है। ऐसे ही सी पार्टीशन जो है आपका हार्ड डिस्क का मेन पार्टीशन होता है, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ से आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हो, और जो एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं डिफ़ॉल्ट तरीके से इसी मेन लोकेशन में जा करके वो इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो ये आपके अलग अलग टाइप के फोल्डर हैं। हम किसी को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी पर भी क्लिक करके उसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम फाइल को एक्सप्लोर करके कोई भी फाइल, फोल्डर, कुछ भी हम ओपन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं दिस PC जो मेन आपका मेन फोल्डर कहेंगे, जिस पर आपका कंप्लीट प्रोग्राम आपको कहीं से इकट्ठे से लेना है, तो दिस PC लिखा हुआ है, जिसे हम माई कंप्यूटर कहते हैं। आपके कंप्यूटर में जो स्टोर्ड सारे फाइल, फोल्डर या ड्राइव्स हैं या डायरेक्टरीज हैं, सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो जो आपको अभी तक आप अलग अलग से कर रहे थे, अगर आपने दिस PC कर लिया तो इसके ही अंडर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप भी यही है, डाउनलोड्स भी यही हैं, डॉक्यूमेंट्स भी यही हैं,
और वीडियोस भी यही हैं आपके, जो हमने बताया कि हार्ड डिस्क के पार्टीशंस हैं, आप देख पा रहे हैं CEFG। देखिए मैंने भी बताया कि मैंने कोई भी रिमूवल डिस्क हम लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव है या कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल हम लगाते हैं, तो वो डी में रिजर्व है। और जो आपका मैंने सीडी रोम भी आपको उसमें बताया, बट सीडी रोम के लिए एक एक्स्ट्रा, चूँकि एक सिस्टम होता है डायरेक्टली लोकल डिस्क सी क्यों आता है, पहले ए से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। ए भी जो होता है वो रिजर्व होता है फ्लॉपी, चूँकि हार्ड डिस्क से पहले फ्लॉपी पर वर्क होता था, वो डिफ़ॉल्ट तरीके से फ्लॉपी के लिए रिजर्व है। फिर बी के बाद सी स्टार्ट होता है, सी डी आना चाहिए था, लेकिन पार्टीशन में डी रिमूवल डिस्क के लिए हो गया, बिकॉज ये सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड किया गया है पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम था उससे इसको इंस्टॉल्ड किया गया, इसलिए डी पार्टीशन डिफ़ॉल्ट तरीके से रिमूवल डिस्क के लिए रिजर्व हो गया है। इसके बाद लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, ये तीन मेन पार्टीशन है, मतलब मेरे 500 GB हार्ड डिस्क को तीन पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं लगभग 150-150 GB के पार्टीशन में है, एक थोड़ा ज़्यादा है। और जहाँ आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन ख़त्म होता है, उसके बाद आपका सी डी रोम या डी वी डी राइटर का पार्टीशन आ जाता है, मतलब वो उसके लिए एक रिजर्व आपका ड्राइव है जहाँ से उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये माई कंप्यूटर ओपन करने पर या दिस पीसी ओपन करने पर आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं जो आपके कंप्यूटर में, यहीं से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम क्लोज करना चाहें तो हम यहाँ से भी जा कर के क्लोज कर सकते हैं, हम क्लोज करना चाहें तो यहाँ से भी जा कर के क्लोज कर सकते हैं, हम अल्ट प्लस F4 कर दें तो भी हमारा, चूँकि ये एक एप्लीकेशन विंडो है इसलिए यहाँ पर हम अल्ट प्लस F4 कर दें तो भी ये क्लोज हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम फाइलें खोलना चाहते हैं, या तो हम स्टार्ट से जा कर के अपना प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोग्राम कोई भी नहीं करना चाहते हैं, हमारे इसमें कोई भी वर्क करना है, जैसे हमें कोई फिल्म देखनी है या हमें कोई इमेज देखना है या कुछ भी काम करना है, तो हम फाइल एक्सप्लोर पर जा कर के वहाँ से किसी भी फोल्डर से कुछ भी हम देख सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन ही हमें ओपन करना है, एप्लीकेशन की सेव्ड फाइल है किसी भी फोल्डर में है, तो हम फाइल एक्सप्लोर करके यहाँ से फाइलों को ओपन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम फाइलों को कैसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, कैसे हम उसको ओपन करके देख लेते हैं, या तो हम कहीं भी अपना डाटा सुरक्षित रखे हुए हैं तो इसके माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना होता है तो हम स्टार्ट बटन से कैसे जा कर के ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको नोटपैड ओपन करके दिखाया, फोल्डर्स हम कैसे बनाते हैं, फोल्डर्स को हम कैसे देखते हैं, फोल्डर्स के अंदर हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, सब फोल्डर कैसे बनाते हैं, हम फाइल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम एक मेन डायलॉग, मेन एप्लीकेशन फाइल एक्सप्लोर का कैसे खोलते हैं एप्लीकेशन विंडो, और फिर उसमें जा कर के हम अलग अलग से प्रेजेंट करा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यदि मेरे पास कोई भी फोल्डर है तो उस फोल्डर का हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, हमें राइट क्लिक करें और यहाँ से हम क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे तो हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, या हम राइट क्लिक करें यहाँ पर और सेंड टू पर जाएं और यहाँ से हम क्रिएट शॉर्टकट कर दें तो शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। हम कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, जो आपका आइकन है इसका व्यू हम दिखाते हैं, यहाँ से हम लार्ज आइकन करें तो आपके आइकन्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, यहाँ जाएं व्यू में मीडियम आइकन्स कर दें तो ये मीडियम रहेंगे, और अगर हम यहाँ से जा कर के स्मॉल आइकन कर दें तो छोटे छोटे आइकन हो जाएंगे। हम यहाँ से जा कर के व्यू पर जाएंगे और अगर हमने ऑटो अरेंज हटा दिया तो हमारा जो आइकन, हम कहीं भी हम इसको इधर उधर करके रख सकते हैं, ड्रैग करा करके, जैसा कि माउस में ड्रैगिंग मैंने बताया है, हम इसको इधर उधर रख सकते हैं। लेकिन अगर सारे आइकन्स को हम एक बार में ही अरेंज करना चाहते हैं तो हम व्यू में जाएं और ऑटो अरेंज लगा दें, आपके आइकन्स ऑटो अरेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से व्यू में अगला ऑप्शन है अलाइन आइकन टू ग्रिड, वर्टिकली देखें तो व्यवस्थित है सिस्टमेटिक ढंग से, और हॉरिजॉन्टली देखें तो भी व्यवस्थित है। तो इस तरह से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं व्यू में जा करके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन शो ना हो तो हम यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन्स को यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे, कोई भी आइकन शो नहीं होगा। इसी तरीके से हम चाहते हैं टास्क बार को भी हिडन कर दें, हमें राइट क्लिक करें और टास्क बार सेटिंग पर भी चले जाएं, हम यहीं राइट क्लिक करें और टास्क बार सेटिंग, वैसे लॉक द टास्क बार है, अगर हम यहाँ से हिडन करना चाहते हैं लॉक द टास्क बार को हटाएंगे, या डायरेक्टली हम टास्क बार के सेटिंग में चले जाएं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड,
डेस्कटॉप मोड में अगर आपको हिडन करना है तो हम इसको ओके करेंगे। अगर आप टास्क बार टैबलेट मोड में हिडन करना चाहते हैं तो आप इसको ओके करेंगे। यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे, आप देख पा रहे हैं टास्क बार गायब हो गया। हम इसको यहाँ से हटाएंगे, आप देख पा रहे हैं टास्क बार फिर से आ गया। अगर हम एक बार ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका टास्क बार हिडन हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम अपने टास्क बार को, आइकन्स को, सबको हिडन कर सकते हैं, सबको हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर आकर के कर्सर लेके आएंगे, हमारा टास्क बार यहाँ अवेलेबल हो जाएगा और हम यहाँ लॉक टास्क बार कर सकते हैं और यहाँ जा कर के हम जो ऑटोमेटिक हिडन का ऑप्शन है इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, मतलब उसको हम डीएक्टिवेट या ऑफ कर सकते हैं। हम बैक आ जाएंगे, आप देख पा रहे हैं टास्क बार मेरा आ गया। इसी तरीके से हम अपने आइकन्स को भी व्यू करना चाहते हैं, शो डेस्कटॉप आइकन्स कर देंगे तो हमारे सामने हमारा डेस्कटॉप आइकन शो कर जाएगा। आप देखेंगे इसी तरीके से हम अपने आइकन को व्यवस्थित करते हैं, सॉर्ट बाय नेम, साइज, आइटम, डेट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। रिफ्रेश करना चाहते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारा DRAM एक्टिवेटेड हो जाता है, थोड़ा सा स्मूथ चलने लगता है सिस्टम। तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक एक स्टेप को कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं आज यही ब्रेक करूँगा और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता रहूँगा जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो वो आपका क्लियर हो जाए और आप में को आपको कोई बोरियत ना हो। बिकॉज जब तक आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तभी तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और एक नई चीज़ है आपके लिए, चूँकि बिगनर्स के लिए है, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इंटरेस्ट बना रहे आपका, इसके नाते से आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को कैसे ओपन करते हैं, हालांकि जो सबसे पहले हमें यूज़ करना है उसमें मैंने नोटपैड को ओपन करके आपको दिखाया, नोटपैड के विंडो को कंप्लीट कंट्रोल करके कीबोर्ड के माध्यम से बताया, हमने आपको फोल्डर बनाना बताया, सब फोल्डर्स कैसे बनाते हैं बताया, फाइलों को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं या किसी फोल्डर को हम कैसे देखते हैं, हार्ड डिस्क के पार्टीशंस क्या होते हैं, अपने हम आइकन को कैसे हाइड कर सकते हैं, टास्क बार को कैसे हाइड कर सकते हैं या उसको हम उसकी साइज़ को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको हम कैसे शॉर्ट व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं, नेम वाइज, साइज़ वाइज, डेट वाइज, तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आज आपको बेसिक चीज़ें बताई, नेक्स्ट डे हम अगली क्लास लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे इसमें, अभी तो हम इसके बारे में केवल समझ रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी इसको आप ज़रूर बताइएगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।